नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अल्पसंख्यक शिक्षक एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष बने मोहम्मद शकील बेग। बेगूसराय के नावकोठी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर बागर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रखंड अल्पसंख्यक शिक्षक एसोसिएशन की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मौलाना हसीबुल रहमान ने के द्वारा की गई। बैठक में प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत अकेले टीचर एवं उर्दू विषय पर बाहर टीचरों को संबोधित करते हुए शिक्षक नेता शकील बेग ने कहा कि अल्पसंख्यक हितों की रक्षा और सुरक्षा को जिम्मेदारी संयुक्त रूप से हम सब की है। मुस्लिम टीचर के विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा में मुसलमानों की पहचान जरूरी है। बिहार सरकार ने सभी मिडिल स्कूल एवं उर्दू आबादी में उर्दू टीचरों की बहाली किया है, लेकिन स्थानीय पदाधिकारियों के भेदभावपूर्ण नीति के कारण उर्दू को उचित सम्मान नहीं मिल पाना दुर्भाग्य है। उर्दू भाषा के विकास में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। प्रखंड नियोजन इकाई के द्वारा बिना धरातल की सच्चाई जने उर्दू टीचरों को नन उर्दू क्षेत्र के स्कूल में नियुक्त कर उर्दू भाषा के साथ मजाक कर रही है। बिहार की दूसरी सरकारी भाषा उर्दू के तरक्की के लिए प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में प्रखंड अध्यक्ष शकील बेग बनाए गए और सचिव मोहम्मद शमसुल जोहा को बनाया गया। उपाध्यक्ष पद पर हसीब उर रहमान और कमर सहेल, संयुक्त सचिव मोहम्मद मिन्नतुल्लाह मोहम्मद इमरान बनाए गए। मीडिया प्रभारी मोहम्मद महबूब आलम, खजांची मोहम्मद एहतेसाम उल हक, जिला प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद महताब मोहम्मद जफीर संजर अली, ऑडिटर बरकतुल्लाह तथा गालिब को कार्यालय सचिव बनाया गया। मौके पर मोहम्मद रागिब मोहम्मद मोहसिन मोहम्मद सद्दाम मोहम्मद समीम मोहम्मद सैफ आदि दर्जनों शिक्षक उपस्थित थे। नावकोठी से नवीन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।